फ्रेंड्स, दिस इज रिचर्ड जेम्स. आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत के साथ बैठा हूँ, मिस्टर सौरभ विज. अगर मैं इनके जो एक शॉर्ट पुटर रही है, लेकिन अगर मैं इनके इंडिया लेवल की बात करूँ तो काफ़ी ढेर सारी चीज़ें देखी. तो इंटरनेशनल पे बात करते हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं जूनियर कैटेगरी में, ये सैफ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशिया में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, प्लस इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में 17th नंबर में हैं और अब ओलंपिक 2020 की तैयारी कर रहे हैं. तो बहुत स्वागत है इनका और इनसे बातचीत करते हैं कि इनके करियर में और इस स्पोर्ट्स में क्या चैलेंजेस हैं और ये इनका लाइफ पैटर्न क्या है, क्या लाइफ स्टाइल है, उस बारे में इनसे डिस्कस करते हैं. वेलकम सर, बताइए सर. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं सौरभ विज, इंटरनेशनल एथलीट शॉट पुट में. मैंने अपना शॉट पुट का जो करियर है वो बहुत ही नीचे से स्टार्ट किया था 2004 में, क्योंकि मेरे परिवार में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये. उसको मैंने धीरे 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 अपना पैशन बनाया, क्योंकि फाइनेंशियली पे भी बहुत हम नीचे से आए हैं ऊपर, तो कई चीज़ें मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी वहाँ पर उसको अचीव करना. देन मैंने धीरे 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 उसको अचीव किया. पहले मैं स्टेट में, फिर नेशनल में, फिर इंटरनेशनल में जाके धीरे 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 मैंने उस चीज़ को अचीव किया और 2004 में फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल मेडल कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल आया मेरा. वहाँ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला अपने आगे करियर के लिए. देन उसके बाद मैंने फिर अपना संघर्ष जारी रखा. जूनियर में जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग नंबर फर्स्ट रही मेरी, उसके बाद फिर सीनियर एशिया में एंड वर्ल्ड रैंकिंग 17th इन द ईयर 2010 सीनियर में, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. उसके बाद फिर मैं ONGC में एम्प्लॉई एज ए जॉब मैंने स्टार्ट किया. तो यही मेरा छोटा सा करियर है जो अब मैं आगे और अपने को अचीव करना चाहता हूँ, जिसके लिए अब मेरी नेक्स्ट प्रिपरेशन 2020 ओलंपिक्स की हैं जो कि नेक्स्ट ईयर है. उसके लिए मैं अब पूरी तैयारी कर रहा हूँ एंड सर के साथ हूँ, तो आई होप कि मैं उसको अपने लेवल पे बहुत अच्छा बेस्ट से बेस्ट कर पाऊँ. अभी मेरा क्वेश्चन ये है सौरभ आपसे कि कितने आपको मेन चैलेंज क्या लगता है इस गेम में या इंडिया में कोई भी जो स्पोर्ट्स लोग करते हैं, मेन चैलेंज क्या है? सर हमारे गेम में जो मेन चैलेंज है वो है सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा गेम है सर वो बहुत ही निचले स्तर से खिलाड़ी आता है, गांव से, देहात से, उनमें करने की क्षमता बहुत होती है, मगर सर वो फाइनेंशियली लेवल पे जाके बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं. तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं क्रिकेट को स्पॉन्सर करती है, बैडमिंटन को करती हैं, तो ऐसी एथलेटिक्स को भी थ्रोज में बढ़ चढ़ कर आगे आएँ, जिससे कि हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मगर सबसे मेन प्रॉब्लम जो स्पॉन्सरशिप की है. अगर वो स्पॉन्सरशिप मिलती है तो हम इंडिया में, इंडिया जो है मतलब वो बेस्ट से बेस्ट कर पाएगा ओलंपिक्स में, वर्ल्ड्स में बहुत अच्छा कर पाएगा. और मैं ना इस बात से बहुत एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि इंडिया में जब कोई एथलीट किसी लेवल पे पहुँच जाता है तो सब उसको पूछने लगते हैं, पर पीछे की जो उसकी मेहनत है उसको कोई देखता नहीं है, पहली चीज़. और दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, कि चाइना के अगर मैं स्पोर्ट्स सिस्टम को देखूँ तो जिस एज में हमारे यहाँ लोग शुरू करते हैं उस एज में तो उनके यहाँ रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चों को बड़ी यंग एज. तो एक टैलेंट को पकड़ना, सही पहचानना और उसको लाना एक चैलेंज है. ये नहीं कि एक बंदा अपनी मेहनत से अगर बन गया तो देन यू टॉक अबाउट कि बाय फाइन ही इज देयर. अभी जो ये कह रहे हैं कि देहात में यहाँ इतना, उनको कौन जाएगा, कौन ढूंढेगा, कौन सपोर्ट करेगा, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया में मेडल्स आने चाहिए. तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है. अब आप सर कैसी तैयारी चल रही है आपकी नेक्स्ट ईयर ओलंपिक के लिए? सर नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स के लिए मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, सब बढ़िया रहा, तो मैं बहुत ही जल्दी ओलंपिक्स क्वालिफाई को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊंगा. मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है ओलंपिक में वो टॉप 8 में आने का है. मैं ये नहीं कह रहा मेरा मेडल आएगा, मगर टॉप 8 में अगर मैं खड़ा होता तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. हाँ, अभी अगर आप 17 वर्ल्ड रैंकिंग पे हैं और जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए. आप इंडियन यंग बच्चों के लिए, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल जो इंडियन जो यंग जनरेशन है वो मोबाइल में और इंटरनेट में इतनी व्यस्त हो गई है कि मैं अभी हम लोग एक फिट किड्स की प्रोग्राम पर वर्किंग कर रहे हैं कि वो बच्चों में वो स्पोर्ट्स का वो रहा ही नहीं है, और पेरेंट्स ने पढ़ाई का इतना प्रेशर कर दिया कि बेचारे टाइम भी मिले तो भी नहीं खेल पाते. तो आपका क्या उनके लिए संदेश है? सर मेरा बस उनके लिए संदेश है कि अगर आप पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तो स्पोर्ट्स को भी आपका देना चाहिए.
इसी स्पोर्ट्स की वजह से मैं आज मैं ONGC में क्लास वन ऑफिसर हूँ, जो कि मैं पढ़ाई की वजह से शायद नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले अपने अंदर के जो टैलेंट को वो पहचानिए, वो चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे पढ़ाई में हो, दोनों चीज़ें साथ में बहुत जरूरी हैं। तो इसलिए फिट रहिए, खेलते रहिए और मेडल जीतते रहिए। दूसरा ये है कि हर बच्चे में एक टैलेंट होता है। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई स्पोर्ट्समैन बनता है, कोई म्यूजिशियन बनता है, कोई आर्टिस्ट बनता है। तो अपने बच्चों के अंदर टैलेंट को पकड़िए और उसको सपोर्ट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस स्ट्रेस लेवल से आज की यंगर जनरेशन गुजर रही है, हम लोगों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर करना चाहिए। मैं सौरभ जी आपको आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हम आपको एक अच्छे मेडल के साथ ओलंपिक में देखेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाय गाइस, आई होप यू लाइक वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइबर बटन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।